दोस्तों, आज हम आपको गोविंदा की लाइफ से जुड़े उस अनसुने किस्से के बारे में बताएंगे जब एक कलाकार ने भरी महफिल में गोविंदा को गंदी नाली का कीड़ा कहते हुए जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल आपको बता दें कि गोविंदा अपने करियर के पीक पर थे, तब वो फिल्म के सेट पर लेट लतीफ पहुंचे थे, जिस वजह से उनकी टीम को काफी इंतजार करना पड़ता था। उन्हीं में से कलाकार ऐसा था जिसने भरी महफिल में गोविंदा को गंदी नाली का कीड़ा कहते हुए जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस हादसे के बाद गोविंदा ने उस कलाकार के साथ कभी काम ही नहीं किया। बता दें कि कलाकार कोई और नहीं बल्कि अपनी दमदार आवाज और खूंखार अंदाज से बड़े पर्दे से लेकर असल जिंदगी में भी लोगों के अंदर खौफ पैदा करने वाले अमरीश पुरी थे, जो आज भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी दमदार एक्टिंग और फिल्में आज भी उनकी यादों को ताजा रखती हैं। आपको बता दें कि अमरीश पुरी अपने दौर के सबसे खतरनाक खलनायक में से एक थे। उस समय उनकी मांग फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन जब उनका सामना गोविंदा से हुआ तो उन्होंने गोविंदा को गंदी नाली का कीड़ा कहते हुए एक थप्पड़ जड़ दिया था, जिसकी गूंज ने सभी को हिलाकर रख दिया था। बता दें कि किस्सा एक फिल्म के सेट के दौरान का है। गोविंदा ने शुरुआत से ही अपने फैंस के साथ साथ फिल्म निर्देशकों का भी दिल जीत लिया था। इतना ही नहीं, उस दौर में एक समय ऐसा भी था जब अपनी फिल्मों में गोविंदा को लेकर फिल्म मेकर्स के बीच होड़ सी मची रहती थी। उस दौर में गोविंदा के पास बैक टू बैक फिल्में हुआ करती थी। उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो अपने घर तक जा सके। उनके दमदार अभिनय और लगन ने उन्हें देखते ही देखते स्टार से सुपरस्टार बना दिया। वो उन दिनों एक के बाद एक फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, जिसके चलते वो दूसरी फिल्म के सेट पर लेट पहुंचा करते थे। ऐसा ही एक फिल्म में उनके साथ अमरीश पुरी भी नजर आए थे, जिसके सेट पर गोविंदा अक्सर लेट पहुंचते थे। ऐसे ही एक बार अमरीश पुरी काफी देर से शूटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही गोविंदा सेट पर पहुंचे तो दोनों के बीच बहस हो गई। बताया जाता है कि उस दिन गोविंदा को सेट पर सुबह 9 बजे पहुंचना था, लेकिन वह शाम को 6 बजे पहुंचे थे। गोविंदा को सेट पर देखते ही अमरीश पुरी गुस्से से आग बबूला हो गए। इसी दौरान दोनों के बीच काफी बहस हुई। अमरीश खुद पर काबू ना रख पाए और सभी के सामने गोविंदा को तमाचा जड़ दिया और तो और उन्हें गंदी नाली का कीड़ा भी कह डाला था। बता दें कि ये थप्पड़ ना सिर्फ गोविंदा पर पड़ा था बल्कि उनके चाहने वालों पर भी पड़ा था, जिसके चलते इस घटना के बाद गोविंदा ने कभी भी अमरीश पुरी के साथ काम नहीं किया। यहाँ तक कि जिन फिल्मों को उन्होंने इस हादसे से पहले ही अमरीश पुरी के साथ साइन कर ली थी, उनसे भी गोविंदा ने किनारा कर लिया था। तो दोस्तों, ये था वह हादसा जिसने अमरीश पुरी और गोविंदा के बीच हमेशा हमेशा के लिए दूरियां पैदा कर दी थी। तो दोस्तों, इस किस्से के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।